अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसी घटना हो रही है जिसे देखकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साइंटिस्ट भी हैरान हैं। साइंटिस्ट को नॉर्थ पोल से करीब 402 किलोमीटर की हाइट पर एक गैप मिला है। अर्थ के मैग्नेटिक एरिया में खुलता और दिन में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। इसे सिर्फ दोपहर के समय में देखा जा सकता है जब हमारा सूर्य हाइटेस्ट पॉइंट पर होता है। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि ये एटमॉस्फेयर का गैप वैसे तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसका असर सैटेलाइट और जीपीएस सिग्नल पर पड़ सकता है और इस एरिया में गुजरने वाले प्लेन का भी स्पीड स्लो हो सकता है। स्पेस पे चल रही रिसर्च पर नासा के साइंटिस्ट को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस में जुपिटर की तरह एक नए प्लेनेट की खोज की है। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्लेनेट में एक साल सिर्फ 16 घंटे का होता है। साइंटिस्ट के अनुसार इस प्लेनेट का बेट जुपिटर के बेट का 5 गुना है और यह जुपिटर से भी बहुत गर्म है। रिसर्चर ने इस प्लेनेट को TOI 2109b नाम दिया है, जो हमारी पृथ्वी से 855 लाइट ईयर दूर है। पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूरी पर हमारा मून स्थित। धरती पर रात के अंधकार को रोशनी देने वाला हमारा मून बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा नहीं होता तो धरती का क्या होता? चलिए जानते हैं। तो आपको बता दूं कि मून के बिना पृथ्वी पर एक दिन केवल 6 से 12 घंटे के ही है। इस तरह से एक साल में करीब 1000 दिन से ज्यादा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ का घूमना टाइम के साथ स्लो हो जाता है। इसी वजह से दिन 24 घंटे का होता है।